हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम किंजल आई एम योर मेंटोर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन रेगुलेटरी बॉडीज एंड एस चैनल टुडे इज़ अ वेरी ब्राइट मंडे एंड वी आर स्टार्टिंग आ डे फ्रॉम द एडिटोरियल एनालिसिस और आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी थाटफुल वीक तो आज का जो हमारा थाट है दिस इज़ अ थाट फॉर एंटायर वीक तो आपको ये थॉट को पूरे हफ्ते के लिए होल्ड ऑन करके रखना है दिस इज माइंड सेट इज वॉट सेट देश फ्रॉम द रेस्ट कि आपका जो भी माइंड सेट है वॉट एवर माइंड सेट यू हैव दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटर बिटवीन यू एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट आपका बेस्ट माइंड सेट होना चाहिए टू बिकम द बेस्ट पॉजिटिव माइंड सेट माइंड सेट विच कैन थिंक अबाउट सक्सेस माइंड सेट विच कैन योर सेल्फ कि कोई बात नहीं हमने लास्ट वीक पढ़ाई नहीं करी बट दिस इज़ अ न्यू वीक एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रेश न्यू टूडे सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन टूडेज लेक्चर चलो सो वी विल स्टार्ट विद दिस दिस इज अ सर्टेन ऑफर दैट इज गोइंग ऑन इसके बारे में हम एंड में ज़रूर बात करेंगे आज का ये देख लेते हैं ये हम आज क्या क्या करने वाले हैं सो एवरी डे वी मीट हियर एंड वी डू अ सर्टेन थिंग्स हेलो गुड मॉर्निंग ध्रुव

आरबीआई की आपको तैयारी करनी चाहिए सेबी की करनी चाहिए तो उस हिसाब से वन वर्ड ठीक है हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमेजिंग अच्छा नाउ दिस इज द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर डूइंग दिस इज कॉल्ड एज मर्स्यूरियल दिस इज कॉल्ड एज मर्स्यूरियल अच्छा आज का एडिटोरियल का आर्टिकल किस बारे में है तो बिल्किस बानो जो केस था अहमदाबाद में गुजरात में उससे रिलेटेड आज का एडिटोरियल आर्टिकल है दैट वॉट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड एंड इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन दैट केस ठीक है तो नाउ हैविंग सेट दैट दिस इज़ आर फर्स्ट थिंग विच इज मर्स्यूरियल ये हमारा आज का पहला वर्ड है जो है मर्स्यूरियल तो मर्स्यूरियल का मीनिंग क्या होता है मर्स्यूरियल का मर्क्यूरियल कई लोग बोलते हैं वॉट एवर यू से दैट इज़ फाइन इसका मीनिंग क्या है समवन हुज मूड और बिहेवियर इज चेंजेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल और समवन हु इज़ क्लेवर लाइवली एंड क्विक विद अ मर्स्यूरियल टीचर यू विल नेवर नो वेर यू स्टैंड क्या होता है समवन जिसका बहुत जल्दी जल्दी मूड चेंज हो जाए बहुत एकदम जल्दी जल्दी से जज्बात बदल जाए एकदम जल्दी से मूड बदल जाए सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी पलटते जाए दैट पर्सन इज कॉल्ड एज मर्स्यूरियल और मर्स्यूरियल टीचर अगर आपका मर्स्यूरियल है जिनके जज्बा तुरंत तुरंत तुरं तुरं बदल जाए तो इट्स नॉट अ गुड थिंग ठीक है सो मर्स्यूरियल आई होप आपको इनसे याद होगा जैसे इनका देखिए मूड यहाँ पे एकदम अचानक से बदल गया था सो दैट इज कॉल्ड एज मर्स्यूरियल द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर डूइंग इज स्कर्मिश द नेक्स्ट वर्ड वी आर डूइंग इज स्कर्मिश स्कर्मिश का मीनिंग क्या है देखिए यहाँ पे एक सर है और यहाँ पे एक मिस भी है और ये सर और ये मिस की आपस में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है तो अगर सर और मिस भी थोड़ी बहुत ऐसे लड़ाइयाँ होगी तो दैट वुड बी झड़प राइट एक झड़प हो जाएगी दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होगा दोनों के बीच में तो उसको हम कहते हैं स्कर्मिश सर और मिस के बीच में जब झड़प हो गई या फिर आर्ग्यूमेंट हो गई स्कर्मिश ठीक है द नेक्स्ट वर्ड इज इनोकस द नेक्स्ट वर्ड इज इनोकस इनोकस का मतलब होता है आ, इनो इनोकस को हम लर्न करेंगे इनो के साथ हम इसको लर्न करेंगे इनो से मुझे एक बात बताइए जैसे इनो जो है वो uh, क्या क्या कभी कोई हार्म है इनो पीने में जैसे होता है ना कि इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल इफ यू हैव हैड अ वेरी हैवी संडे डिनर इन द इवनिंग तो फिर आपको दूसरे दिन आपको लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल इन द स्टमक मे बी ब्लोटिंग अ लिटिल बिट तो मैं इनो पी लेता हूँ एंड वेन यू ड्रिंक इनो डू यू थिंक देर इज एनी हार्म इन ईटिंग इन ड्रिंकिंग इनो कोई भी हार्म है क्या नहीं देर इज एप्सुलटली नो हार्म क्यों? क्योंकि काम शुरू हो जाता है इनो so, no in ino. no पीने में मैं इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट कर देती हूँ इनोकस की आप स्पेलिंग ऐसे ही लिखेंगे ना इनोकस अगर आपको नहीं पता इनोकस की स्पेलिंग क्या है तो आप यही लिखेंगे इनोकस तो इनो कॉस सो देर इज नो हार्म इन ड्रिंकिंग इनो ग्लीफुल ग्लीफुल प्लीज लुक एट दिस रियली क्यूट डॉग और जल्दी से आप सब भी बोलो ग्ली जल्दी से आप सब ये वर्ड बोलिए प्लीज उट लाउड लाउड बोलेंगे ना तो आप, आप भी हसेंगे थोड़ा सा, ग्ली जो वर्ड है, वेरी आप ग्ली बिना थोड़ा सा स्माइल किए नहीं बोल सकते सो so, ग्ली बेसिकली जॉयस जैसे कि से चीज होता है वैसे ही आप बोल सकते हैं से ग्ली रियलींक डिलीजेंट डिलीजेंट देखो मोस्ट ऑफ दू ड नो डेली में और ये अराउंड कोविड भी हमें पता चला था कि डेली में माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा है है ना डेली की जो पॉपुलेशन है स्पेशली देंट्स पॉपुलेशन जो मेल पॉपुलेशन है डेली की वो कैसे होते हैं क्योंकि वो बाहर से आते हैं इतने दूर से आते हैं तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल हु कम टू डेली फॉर वर्किंग स्पेशली मैन आर वेरी हार्ड वर्किंग ठीक है Now The next is elasticity. Next is is elasticity. elasticity. Elasticity mnemonic अच्छा सा it's called at last in the city. It is called as at last in the city. तो जब आप, आप गांव से निकल के या आप किसी बहुत टीय टू या टीयर थ्री सिटी में मान लीजिए हैं और आप पहुँच जाए जब दिल्ली एंड मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम you will फील कि अरे ये तो मैं क्या ही शहर में आ गया यहाँ तो मल्टी स्टोरीज है सोला फ्लोर ब्लीस फ्लोर सो दैट इज़ कॉल्ड एज एलाटी एंज ये इतने ही सरप्राइज और एंथुस के साथ सब कुछ देखना इज एट लास्ट इन द सिटी और एलास्टिटी ठीक है रेमिशन रेमिशन ये आज के आर्टिकल में भी है रेमिशन रेमिशन का मीनिंग होता है द कैंसिलेशन ऑफ अ डेट चार्ज और अ पेनल्टी कोई भी डेथ चार्ज या फिर कोई पेनल्टी या कोई और पनिशमेंट को जब वापस ले लिया जाता है जब उसे कैंसिल खारिज कर दिया जाता है वापस नहीं लिया जाता जब उसे खारिज कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन द देशन ऑफ द पनिशमेंट द कोर्ट हैड ऑलरेडी एडवाइस कि यू आर यू हैव डन अ पनिशेबल ऑफेंस और फिर कोर्ट कहता है कि नो दैट इज रेमिटेड दैट मींस दैट इज कैंसल्ड ठीक है हाउ मैनी ऑफ यू रिमेंबर दिस आप में से कितने लोगों को ये पता है हीनस कितने लोगों को पता है तो देखिए हीनस जो है इट मीन्स बहुत ही बुरा मतलब हेटफुल तो बहुत एवरेज वर्ड हो गया इसके लिए इट मीन्स बहुत ही बुरा समथिंग एक्सट्रीमली बैड और ओडियस इसका एक बहुत अच्छा सनॉनमस वर्ड है ओडियस हेटफुल तो इंटेंसिटी वाइज लो इंटेंसिटी वर्ड हो गया तो हीनियस आई ऑलवेज थिंक ऑफ लॉर्ड वॉल्डेमोट समहाउ तो लॉर्ड वॉल्डेमोट ये करते हैं ना हेरी पॉटर आई एम गोइंग टू बूप यू ऑन द हेड और देन ही बूप्स ऑन द स्कार दैट ही हैड सो दैट इज हीनियस दैट इज हेटफुल दैट इज बैड ठीक है ये तो मुझे लग रहा है सबको याद रह जाएगा इसके बाद ये तो आप सबको हमेशा ही याद रह जाएगा गाइज इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन सेशन मेक यू लाइक द सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो आप जितने जल्दी हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन ज्वाइन है तो पिक्यूलियर का मीनिंग क्या है पिक्यूलियर का मीनिंग होता है यूनिक जो थोड़ी अलग हो जो थोड़ी डिफरेंट हो जो थोड़ी स्ट्रेंज हो है ना सो so, जब मैं मैं जब भी सुनती हूँ यूनिक या मैं जब भी सुनती हूँ अलग तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ आती है वो है ये बंदा जो बोलता है मेरे वाली अलग है तो ये दैट इज़ द थिंग डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जो आप अपने खुद के जजमेंट पे अवेलेबल हो सम इज ऑन टू योर ओन जजमेंट अच्छा इसका ये जो लास्ट हमारा गया इसके लिए ये बंदा क्या बोलेगा वो बोलेगा शी इज पिक्यूलियर वो क्या है अलग है शी इज पिक्यूलियर वो क्या है अलग है, है ना सो so, नाउ डिस्क्रिशनरी का मीनिंग है लेफ्ट टू इंडिविजुअल्स चॉइस और जजमेंट जो आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है यानी ऑप्शनल है दैट मीन्स इट इज ऑप्शनल समथिंग विच डिपेंड्स ऑन यू इफ यू टू डू इट यू विल डू इट इफ यू डोंट टू डू इट यू वोंट डू इट दैट इज डिस्क्रिशनरी

और vitiated का मतलब होता है जब आप किसी चीज की क्वालिटी खराब कर दें या फिर उसकी लीगल वैलिडिटी खत्म कर दें उसे हम कहते हैं vitiated तो ये तीनों वर्ड्स ध्यान में रखेंगे divested is deprivation concurred is एक साथ लाना vitiated is spoil करना चलो नाउ वी विल डू इडियम्स अच्छा ये जो क्लास में बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं हमारी क्लास का एक पैटर्न है हम पहले वोकैबुलरी करते हैं फिर हम प्रीवियस वोकैबलरी रिवाइज भी करते हैं बट नॉट ऑन मंडे क्योंकि मंडे को तो हम फ्रेश चालू करते हैं सो so कल से वी विल रिवाइज ऑल दीज वोकैबलरीज कल से मैं आपको पूछूंगी कि इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था है ना? इसके अलावा वी डू इडियम्स, इसके देन वी विल डू वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉलोड बाय एन एडिटोरियल पैसेज फॉर श्योर तो जल्दी से ये सॉल्व करिए बट विद इन द टाइमर विद इन द टाइमर जल्दी से द आंसर टू दिस क्वेश्चन अ डाइंग डजन इज बेन समथिंग इज एक्सट्रीमली कॉमन एंड सिंपल टू एक्वायर कोई चीज जो बहुत ईजी हो एक्वायर करने के लिए और कॉमन हो इसको लर्न कैसे करना है डाइन जो वर्ड है ना डाइन जो वर्ड है डाइन का मीनिंग होता है डाइन का मीनिंग होता है या फिर सिक्के, तो आ, सिक्के से रिलेटेड एक वो है ना मैं आज भी गिरे हुए सिक्के नहीं उठाता आपको शायद नहीं पता होगा हमारे पेरेंट्स के जमाने का है सो so, डाइन का मीनिंग होता है कॉइन्स तो डाइम और डजन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी कॉमन जो बहुत ही कॉमन हो दैट इज डाइन कप ऑफ जोई विद इन द टाइमर गाइज कोशिश करेंगे विद इन द टाइमर सॉल्व करने का द करेक्ट आंसर इज अ कप ऑफ कॉफी अ कप ऑफ कॉफी कप ऑफ जोई कप ऑफ जोई का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन द टाइमर स्टार्ट नाउ हेलो लक्ष्मी गुड मॉर्निंग वेलकम बैक ओके हियर द आंसर अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड द आंसर इज ए समवन एक्टिंग फुलिश कैन इजीली लूज हिज और हर मनी ड्यू टू केयरलेसनेस कोई इंसान अगर फुलिश बनता है तो क्या करेगा वो शायद अपना पैसा जल्दी ही भुला दे बीटिंग अ डेड हॉर्स

बीटिंग द डेड हॉर्स यानी कि डेड हॉर्स एक हॉर्स जो क्या हो चुका है खत्म सो अर्क दैट यू आर डूंग बट उसका रिजल्ट क्या लग रहा है कि ये एक फेलियर होगा इसका रिजल्ट क्या लग रहा है कि ये एक फेलियर होगा दैट इज कॉल्ड एज बीटिंग अ डेड हॉर्स क्लोज बट नॉट सिगार बट नॉट सिगार इज सी कमिंग क्लोज टू अक्सेसफुल आउटकम ओनली टू फॉल शॉर्ट एट दी एंड यानी कि uh, आप बहुत पास आ गए यू आर वेरी वेरी क्लोज टू बीमिंग सक्सेसफुल औरविंग अ गुड रिजल्ट बट सम हाउ यू फेल शॉर्ट मतलब इन दी एंडिंग देर वॉज वन थिंग दैट डिड नॉट वर्क एंड हैंड दैट वॉज क्लोज बट नो सिगार सो कमिंग क्लोज टू अ सक्सेसफुल आउटकम But then it did not work out. Next is cut the mustard. Cut the mustard. Have you done question number six? Cut the mustard. Sixth ka answer is B, which is meeting expectations. Jab aap kya do expectations ko, wo, wo ko fulfill kare. That is called as cutting the mustard. Jayse, let's say your family expects you to become successful. Your family expects you to become amazing and good and great at your work. So that is called as cutting the mustard. पैट सिटी पैट सिटी इट इज अ ग्रेट सिटी आंसर इज ई विच मीन्स अ ग्रेट थिंग और प्लेस कोई भी बहुत ही अच्छी जगह गो फॉर पिंक्स टाइम आर स्टार्ट ड्रैग रेस वे दर द कार पिंक स्लिप अ ड्रैग रेस जहां पे वो क्या है कार की पिंक स्लिप है नाइन्थ रॉयल शाफ्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह आ चुका है एग्जाम में ध्यान दीजिए यहां पर रॉयल शाफ्ट रॉयल शाफ्ट इज बैड और अनफेयर ट्रीटमेंट किसी को भी जब बहुत ही बुरा या फिर जब अनफेयर ट्रीटमेंट मिले तो दैट इज कॉल्ड एज अ रॉयल शाफ्ट बुरा या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट को हम कहते हैं अ रॉयल शाफ्ट मेक द सीन इट्स वेरी इजी

इसे हम ध्यान से करेंगे इसके अलावा ये करने के बाद दा हाँ तो आज जो हमने वर्ड्स किए हैं उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ध्रुव शर्मा गेट बैक टू इट डोंट वरी और इसके बाद वी विल डू दैट इसके uh, so one word substitution, इसके बाद, एंड देन आई विल स्टार्ट समिंग न्यू ठीक है सो प्लीज स्टार्ट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स कौन सा गवर्नमेंट का पार्ट होता है जो रूल्स बनाता है विच इज दार्ट विच मेक्स रूल्स द आंसर टू दिस वन इज डी विच इज लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर क्या होता है रूल्स बनाता है इट इज द विंग ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स रूल जल्दी से बताइए सेकेंड द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू इज ए विच इज ऑटो बायोग्राफी ऑटो का मीनिंग ऑटो इज अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है सेल्फ एंड बायोग्राफी बायोग्राफी का मतलब होता है रिटर्न समथिंग इन अटर्न फॉरमैट तो सेल्फ रिटर्न जब खुद से लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटो बायोग्राफी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है अलॉट ऑफ पीपल थिंक्स दैट सम हाउ टी टोटालर का मीनिंग होता है दैट हु टेक्स समेकोहलिक ड्रिंक बट टी का मतलब होता है सम वन हु रिफ्यूज टू टेक एल्कोहलिक ड्रिंक सम वन हुट ड्रिंक ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन कोई ऐसी स्पीच जो प्रीवियस प्रिपरेशन के बिना डिलीवर की जाए दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर ये तो इजी हो गया अच्छा ध्रुव शर्मा यू हैव अ क्लासमेट टेलिंग यू दैट द डिफरेंस बिटवीन मेक द सीन एंड मेक अ सीन तो बच्चा आप जो सो वॉट एवर यू आर से मेक अ सीन और वो मेक द सीन में डिफरेंस है सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग इज वेल हेलो गुड मॉर्निंग ऋत्विक हाउ आर यू ठीक है फिफ्थ जल्दी से सॉल्व करिए अ डिजीज विच अटैक्स मैनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया बहुत सारे लोगों को जो अटैक करे वो भी सिर्फ एक एरिया में सो एरिया डिपेंडेंट है विच इज़ एपीडेमिक एपीडेमिक यानी कि एरिया में है एक जगह पे है जैसे आपने सुना होगा पैनडेमिक कोविड वॉज अ पैनडेमिकट मीन्स इट वॉज एवरी वेयर पैन यानी एवरीवेयर पैन इज अ रूट वर्ड जैसे पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया सो पैनडेमिकज एवरीवेयर बट ऑन दी अदर हैंड एपिडेमिकज एट वन प्लेस इन वन टाइम ट्रीज हुज लीव्स फॉल एवरी ऑटम ऐसे ट्रीज जिनकी लीवस हर ऑटम को क्या होती है फॉल होती है सो दैट इज डेसीडस डेसीडस आर सच ट्रीज आंसर टू दिस वन इज बी विच इज पैरम्ब्यूलेटर पैरम्ब्यूलेटर जैसे वो आ, वो स्ट्रोलर नहीं होता है बच्चों को जो स्ट्रोलर में लेके जाते हैं सिमिलरली देर इज अनदर थिंग विच इज पैरम्ब्यूलेटर दैट ऑल्सो कैन बी यूज चलो सॉल्व दिस वन इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग होता है एयन एयन का मतलब होता है इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम जो बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा हो या चलने वाला हो दैट इज एयन

Solve this one. Determine to achieve something. When you are determined to achieve something, when you do not want to waste your time anywhere and focus only on your goal. स का मीनिंग होता है टाइम ओके अच्छा ये तो पुराना आ गया ये हमने कल मतलब सैटरडे को एक वर्ड किया था फोर लोन तो मैंने जिसमें बताया था फिर से लॉन गया है तो लॉन का मीनिंग क्या होता है लोन का मीनिंग होता है गार्डन सो इफ यू आर गोइंग टू द गार्डन अगेन दैट मीनस यू आर लोनली ठीक है इफ यू वॉन्ट वी विल रिवाइज ऑल द वर्ड्स अगेन तो जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ड्स जो हमने किए हैं आज सो दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ इट सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर मर्स्यूरियल मर्स्यूरियल का मीनिंग मर्क्यूरियल का मीनिंग होता है जब किसी के बहुत जल्दी जल्दी इमोशंस और जज्बात बदल जाए दैट इज मूरियल The next word that we did did is skirmish. Skirmish. तो सर और मिस की लड़ाई हो गई सर और मिस की लड़ाई हो गई अगर सर और मिस की लड़ाई हो गई है इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग हुआ इनकी आपस में झड़प हो गई है सो विच इज स्कर मिश नेक्स्ट वर्ड इज इनोकस यानी कि इनो इनोकस यानी कि इनो हैज नो हार्म इनो पीने से कोई किसी का हार्म नहीं हुआ है जैसे ही आपका हैवी डिनर हुआ है कुछ हुआ है द नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन स्टार्ट विथ इनो और काम किससे कितने देर में हो जाएगा छ सेकेंड में शुरू दैट इज इनोकस इनोकस हैज नो हार्म नेक्स्ट इज ग्लीफुल इसके लिए मैंने आपको सजेशन दिया था दैट यू से द वर्ड ग्ली आप जैसे ही ग्ली बोलेंगे एज सुन एज यू विल से ग्ली तो ग्ली बोलेंगे तो यू विल स्माइल जस्ट लाइक दिस क्यूट लिटिल डॉग यर सो ग्ली फुल इजस इट मीन्स जॉयस डिलीजेंट डिलीजेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि कोविड uh, के टाइम में वी अंडरस्टूड देयर वर अ लॉट ऑफ मेन पीपल आउट देयर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे स्पेशली इन दिल्ली and all those migrant workers because they come from very far places to Delhi, they are generally hard worker. तो so, दिल्ली के gents कैसे होते हैं They are hard working. दिल्ली में दूर दूर से काम करने के लिए लोग आते हैं All of them are hard working. दिल्ली के gents कैसे hard working. Elasticity, elasticity का निमोनिक था At last in the city. एट लास्ट इन द सिटी आप अपने टीयर टू टीयर थ्री या फिर इवन टीयर फोर सिटी को छोड़ के जब कोई बड़े शहर पहली बार जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सब कुछ देख के ऐसा ही फील होगा सो दिस इज ए लास्ट सिटी दैट ओ माई गॉड यू आर इन द सिटी एट लास्ट ठीक है एंथोसियाजम बेसिकली रेमिशन इज द कैंसलेशन कोई भी चीज का कैंसलेशन किस चीज का या तो डेट है उधार है या तो फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है या तो आपके ऊपर कोई चार्ज लगा है उसके कैंसलेशन को कहते हैं रेमिशन हीनियस इज बहुत ही बुरा बहुत ही बुरा इज हीनियस विच इज ओडियस स्टैचुटरी का मीनिंग मैंने आपको बताया इफ़ समथिंग इज़ लीगल इट इज़ अलाउड बाय द लॉ वेयर इफ इट इज इफ इट इज स्टैचुटरी इट इज़ रेगुलेटेड बाय द लॉ अगर वो कोई कोई चीज़ लीगल है कुछ चीज़ करना तो वो आपको लॉ अलाउ करता है बट अगर कोई चीज़ वेर इफ इफ इट इज स्टैचुटरी इट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ उस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है लॉ से इसको आप ऑपोजिट तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन द नेगेटिव दिस इज टू अंडरस्टैंड इफ समथिंग इज नॉट लीगल द इज कैन नॉट डू इट इफ समथिंग इज नॉट स्टैट्यूटरी देर आर नो लॉज रेगुलेटिंग इट ठीक है चलो सो आई गेस अब हम आर्टिकल पढ़ने चलते हैं आर्टिकल पढ़ने हम अब चलते हैं। अच्छा ये पिक्यूलियर रह गया पिक्यूलियर का मतलब होता है जो थोड़ा क्या हो यूनिक हो जो थोड़ा अलग हो अपने आप में अलग हो दैट इज पिक्यूलियर जब हम जब ये बेचारे बोल रहे थे मेरी वाली अलग है दैट मीन्स ही वॉज थिंकिंग दैट ही हैज अक ही हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल फ्रेंड ठीक है सो वी आर डन एंड वी विल गो टू रीडिंग द आर्टिकल नाउ अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे

now she goes from one place to another in search of safety and on the way her family gets, uh, gets into a little bit of problem what happens that there are four or five people who attack them or bojolovuza attack her they do not just kill everybody in her family including a child who was only very uh, small in age but also uh, does heinous crime on uh, bilkis as well who was also pregnant at that point लेटर ऑन द कोर्ट द केस गोज टू द कोर्ट ऑफकोर्स और फिर वो आगे जो भी हुआ Now, so, अब हम यहाँ पे चलते हैं कि ये हुआ क्या है गुजरात में इट इज अटर ऑफ कंसर्न द सुप्रीम कोर्ट हैज डीक्लाइन टू रिव्यू इट्स मे ट्वेंटी टू और ऑर्डर होल्डिंग दैट गुजरात गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रियट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट सर्विंग लाइफ टर्म्स इन बिल्किस बानो गैंग गैंग केस विच आल्सो इन्वॉल्व द ग्रूसम मर्डर ऑफ सेवरल अदर्स ये बोल रहे हैं अच्छा एक मिनट जस्ट अ मिनट ये इट से लेके ये यहाँ तक के जल्दी से पढ़िए ठीक है है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिफ्यूज कर दिया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मे डिसाइड किया था कि गुजरात गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट विल हैपन विद द बिल्किस बानो केस दे द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू रिव्यू इट अगेन आगे देखते हैं अर्ट जूरिस डिक्शन टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर इज Limited to correcting any error apparent on the face of the record. It is also a discretionary remedy and generally not heard in the open court. However, it appears that the two judge bench has failed to address a significant error in its finding that the decision on remission should be made by the Gujarat government. जो टू uh, दो, दो जजेस की बेंच थी उन्होंने जो फेलियर दिखाया है दैट द डिसीजन विल हैपन इन द अंडर द गुजरात गवर्नमेंट अच्छा ये गुजरात गवर्नमेंट के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए द केस विच अरोज फ्रॉम वन ऑफ द मेनी हीनियस क्राइम्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दू थाउजेंड टू एंटी मुस्लिम प्रोग्राम पॉग्रम सॉरी इन गुजरात had been transferred for a trial to Mumbai by the court 2002 may jo godhra uh, kaand hua tha, time pe there was an anti muslim riot uh, as well going on in gujarat and during that time only this happened so the case was actually sent to the mumbai high court instead of gujarat section 432 of 7 of the criminal of code of criminal procedure says that the

तो वहीं की गवर्नमेंट और वहीं का कोर्ट हो सकता है जो डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या करना चाहिए देयर के नॉट बी एल्स डूइंग इट ऐसा एक लॉ बोलता है बेंच हैड टेकन व्यू दैट ऑफेंस हैड टेकन प्लेस इन गुजरात एंड द ट्रायल इन मुंबई फर्दर मैटर्स द जूरिस्डिक्शन ऑफ गुजरात ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल क्लियर प्रोविजन है उसके बाद भी जो मैटर है इट वाज द इंसिडेंट हैपेंड इन गुजरात द ऑफेंस हैपेंड इन गुजरात है जिसका ट्रायल है ये मुंबई में हुआ था एंड नाउ इट इज बैक टू गुजरात अच्छा ये जो है दिस हैज हैपेंड लॉन्ग बैक सो बिल्किस बानो केस में ये हुआ था दैट शी हर सेल्फ सेड की देर इज अ प्रॉब्लम विथ सिक्योरिटी एंड थ्रेट

एक और कंसर्न था कि इतने सारे एविडेंस हैं और वो सारे टैम्पर हो सकते हैं तो ये सब के चलते ही मुंबई हाई कोर्ट चले गया था केस एंड नाउ इट इज गोइंग बैक टू गुजरात द द बेंचेस व्यू वाज क्वाइट पिक्यूलर बिकॉज़ इट गोज अगेंस्ट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन आल्सो द ट्रांसफर took place only because a fair trial was

देखो यहाँ पे ये यह बात कर रहे हैं रेमिशन की तो एक रेमिशन पावर है विच वॉज इन नाइनटीन और ये केस उसी टाइम का है तो बेसिकली आपको वो रेमिशन का भी ध्यान रखना चाहिए यानी कैंसलेशन ऑफ दी ऑफ ओफ ऑफेंस और द पेनल्टी इनके ऊपर जो लाइफ टाइम इम्प्रेजनमेंट की पेनल्टी लगी है ये खत्म हो जाए इसकी ये यह यहाँ पे बात कर रहे हैं Accordingly in the absence of any specific curbs in that policy on the power to remit the sentences of those who involved in heinous crimes the convicts were released the center it was later revealed had also concurred with the decision fortunately the refusal to review the earlier order will not affect the outcome of a separate petition challenging their release क्या हुआ एब्सेंस था यहाँ पे कर, मतलब पॉलिसी देखो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली इन दी एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कर्ब्स इन दैट पॉलिसी पॉलिसी में कोई ऐसा कर्ब नहीं था उसके बाद भी उनका क्या हो गया रिलीज हो गया सेंटर यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ था कि हाँ ठीक है उनको रिलीज कर दिया जाए फॉर्चुनेटली एक दूसरा पिटिशन था जहाँ पे बोला गया था कि इनको रिलीज नहीं किया जाएगा और इस पर कोई कर्ब नहीं हो सकता

ऑफ रिलीज उसमें बीजेपी के एमएलएज़ भी थे तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पावर भी हो क्योंकि अभी वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की है और बीजेपी के एमएलए ही उस कमेटी में थे तो हो सकता है ये भी एक प्रॉब्लम हो द सुप्रीम कोर्ट में स्टिल हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन दी लेजिटिमेसी ऑफ अलाउिंग दी प्री मेच्योर रिलीज ऑफ दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कम्यूनली मोटिवेटेड क्राइम्स सुप्रीम कोर्ट में स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन के पास अभी भी शायद एक अपॉर्चुनिटी है फैलाने वाले लोग है इनको प्री मेच्योर रिलीज कैसे मिल गया इनको अपनी सजा पूरी काटने से पहले ही इनको बाहर कैसे निकाल दिया गया ओके है सेशन सबको सेशन समझ में आया पैसेज जैसे ये ऐसा बहुत ही सिमिलर डिबेट अजमल कसाब के टाइम में भी हुआ था कि अजमल कसाब को रिलीज कर दिया जाए उसने उसने भी वो तो टेररिस्ट ही था बहुत ही बड़ा वो तो प्रॉब्लम था और उ, उस टाइम पर भी सेम प्रॉब्लम था अलॉट ऑफ पीपल वेलिंग की वो ऑलरेडी इतने साल तो जेल में रहा है दस्टिस वॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सेड की नहींड बी पनिश्ड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ

आप में से कितने हैं जो सिडबी का अभी फॉर्म uh, फिल कर रहे हैं इज देर एनी वन हु फिलिंग द सिडबी फॉर्म राइट नाउ तो अगर आप सिडबी का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड आई सपोज यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एस बी आई फॉर आई बी पी एस फॉर आर बी आई तो ये तीन चार जो एग्जाम्स है दे आर ऑफ सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी सो इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन देन देर इज़ अ वेरी बिग गुड ग्रेट न्यूज फॉर यू रिमेंबर दे अच्छा कल एक और बड़ा डिस्काउंट था कल जिसके बारे में मैंने रात में एक सेशन लिया भी था बट आई गेस यू ऑल मिसड इट इफ़ यू हैव मिसड इट यू कैन स्टिल हैव द च टू गो एंड बाय द बैंक महापैक प्लस आप बैंक महापैक प्लस ले सकते हैं

बट लेट्स जस्ट से आप सिर्फ और सिर्फ आर बी आई की ही तैयारी करना चाहते हैं सो इन दैट कंडीशन वी हैोइंग ऑन फॉर द आर बी आई ग्रेड बी और ये जो कोर्स है ये अब चालू होने वाला है ये जो कोर्स है ये अभी चालू होने वाला है देखो आज जो डेट है आज है नाइनटीन ऑफ डिसम्बर और ये ट्वेंटी सेकेंड ऑफ डिसम्बर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आज नाइनटीन ऑफ डिसम्बर है फिर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ डिसम्बर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए इस कोर्स में द कोर्स इज ऑफ फोर्टीन थाउजेंड रुपीज द कोर्स इज द ओरिजिनल प्राइस इज फोर्टीन थाउजेंड बट इट विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन और देखो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा किसी भी एम के लिए यू हैव टू हैव दैट परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी पैशन और इसके अलावा राइट right डायरेक्शन और राइट right स्ट्रेटी और वहीं पे आपको एक कोर्स काम आता है जहां पे आपको राइट right डायरेक्शन और राइट right स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है सिमिलरली यू कैन एंटर द कूपन कोड वाई सिक्स फाइव नाइन और आप जैसे ही वाई सिक्स फाइव नाइन अप्लाई करेंगे The cost of the course will reduce down to just थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टीन रुपीज मैंने कल भी इसके बारे में एक वीडियो लिया है आर बी आई ग्रेड बी की प्रिपरेशन इफ यू वॉन्ट टू डू सो हाउ कैन यू स्टार्ट एंड हाउ कैन यू एंड इन ऑन दिस चैनल इट सेल्फ तो आप वो भी जरूर देखें सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर श्योर लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट फॉर श्योर डो नॉट फॉरगेट टू यूज वाई सिक्स फाइव डाइन और जस्ट इन केस आप अगर टेस्ट या फिर कोई uh, बुक्स लेना चाहते हैं तो वाई सिक्स फाइव डाइन के बाद एक एस जरूर लगा दे एंड दैट वुड डू थैंक यू एंड है नाइस डे अहेड